हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है योर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शाओमी फोन में अगर आपने कोई भी फोटो या वीडियोस या कोई और आइटम जैसे कि कॉन्टेक्ट्स वगैरह डिलीट कर दिए हैं और आप उसको रिकवर या रिस्टोर करना चाहते हैं, तो इसी का तरीका मैं बताऊंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ। तो गैलरी में मैं कोई भी एल्बम ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर चार इमेजेस हैं। तो इनमें से मैं कोई भी एक इमेज फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो जो नीचे वाली फोटो है इस पर मैं टैप करके नीचे जो डिलीट का ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे तीन फोटो रह गई हैं, एक जो लास्ट वाली फोटो थी मैंने डिलीट कर दी है। अब आप भी अगर किसी भी फोटो को डिलीट करते हैं या वीडियो को डिलीट करते हैं, अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वापस यहाँ पे दोबारा आ जाए, तो उसी का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है आप इस पर टैप करके सेटिंग्स में आ जाएंगे अपने फ़ोन की और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिंक, तो ये जो सिंक वाला ऑप्शन है हम इसको खोल लेंगे टैप करके। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यानी कि जो पहले ऑप्शन दी गई है ऑटो सिंक डेटा, ये जो ऑप्शन है आपके फ़ोन में टर्न ऑन होनी चाहिए, इनेबल होनी चाहिए, यानी कि इसके आगे जो ब्लू में बटन बना हुआ है वो ऑन होना चाहिए, ग्रे में नहीं होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो शाओमी क्लाउड का ऑप्शन दिया गया है इस पर टैप करेंगे और उसके बाद ये जो भी परमिशन मांगेगा आप इसको परमिशन दे देंगे। तो इसके बाद आपने तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा गैलरी का ऑप्शन, तो ये जो है इसके सामने ये ऑन होना चाहिए, तो इस पर टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद आप देखेंगे सिंक ऑटोमेटिकली, ये ऑप्शन जो है ऑन होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी अगर ऑन है तभी ये जो है ट्रिक आपके काम करेगा रिकवरी वाला। तो आगे देख लेते हैं हम डिलीटेड आइटम्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डिलीटेड आइटम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग, गैलरी और नोट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप इन चार चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं और ऊपर मैसेज लिखा हुआ है डिलीट करने के 30 दिन तक आप इन चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे, अपने फ़ोन के अंदर दोबारा वापस ला पाएंगे। अगर 30 दिन क्रॉस हो जाते हैं तो आपका वो जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा शाओमी क्लाउड से। तो अभी हम अपनी फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं तो हम गैलरी वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। मैं गैलरी में टैप कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी एक फ़ोटो डिलीट की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपने जो भी फोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह जितनी भी हैं डिलीट की होंगी वो सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और आपने क्या करना है, सिंपली उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा रिकवर का और उसके बाद लिखा है डिलीट कम्प्लीटली। तो हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते, हम इसको रिकवर करना चाहते हैं, अपने फ़ोन में वापस लाना चाहते हैं, इसलिए हम रिकवर वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको कर देंगे तो ये एक दो मिनट लेगा, उसके बाद ये जो फोटो है वापस हमारे फ़ोन के अंदर वापस आ जाएगी। तो मैं वापस बैक आ जाता हूँ, तो उसके बाद मैं दोबारा से अपनी गैलरी ओपन कर देता हूँ और उसी एल्बम को खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे वो जो मैंने इमेज अभी डिलीट की थी थोड़ी देर पहले वो वापस आ गई है। तो दोस्तों, ये था तरीका शाओमी फ़ोन के अंदर किसी भी फोटो या वीडियो को वापस रिकवर करने का अगर आपने उसको गलती से डिलीट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करिए, साथ ही इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा फॉलो कर सकते हैं यूर टेक बफ को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगा आपको जल्दी किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।